अगर देखा जाए तो कलंक को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, नहीं मिला था, प्यार दिया था, नहीं मिला था, फिर भी मुझ तक पहुंचा ही नहीं, बट नहीं मिला बोल दे। आई थिंक अप्स एंड डाउन जो होती है ज़िंदगी का पार्ट होता है और उससे सीखना पड़ता है. एंड वही मेरे करियर में वो पहली बार था जब हुआ था फिल्म के साथ. तो आई हैव लर्न फ्रॉम दैट. और बस इस वक्त सारी पॉजिटिव एनर्जी मैंने स्ट्रीट डांसर 3D में डाली है. रेमो सर के बाद ABCD2 के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं श्रद्धा कपूर के साथ भी. सो वेरी एक्साइटेड. ये यूथ की फिल्म है, आज की फिल्म है. और मेरे फिल्म का एक डायलॉग है जो मेरे हिसाब से बहुत मायने रखता है, विच इज़ चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु दा नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो लम्हा भी इबादत दा होंदा है जब तू किसी और के काम आवे. एंड दैट्स व्हाट इवन आई बिलीव इन. थैंक यू. कलंक वाकई वरुण धवन की करियर का सबसे बड़ा कलंक है. और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस चीज को मानते हैं. एंड ही सो कैंडिड एंड कूल अबाउट इट. जहां एक जर्नलिस्ट उन्हें कह भी रहे हैं दैट कलंक जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और वो कह रहे नहीं मिला था, प्यार मुझ तक पहुंच नहीं पाया लोगों का. एंड ही इज जस्ट नॉट टची अबाउट इट. ही नोज दैट हिज फिल्म हैज नॉट वर्क्ड. एंड मिलेनियल्स और ये यंग जनरेशन की मतलब यही खासियत है, दे एक्सेप्टेड एंड दे नो हाउ टू मूव ऑन. 2012 में वरुण धवन ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था. एंड सिंस देन इफ यू लुक एट हिज फिल्मोग्राफी, सुपर डुपर सक्सेसफुल फिल्म्स हुई है. आउट ऑफ 100 वी कैन टॉक अबाउट हाउ 90% ऑफ द फिल्म्स आर अ बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर. अक्टूबर दिलवाले got average reviews but phir bhi unke kaam ko kafi saraha gaya tha. And all of the films have done really really well for him. And he talks about how Kalank didn't work for him and he understands that he needed that in his career. Aur ab wo street dancer 3D ke liye kafi excited hai aur sari positive energy wahin par dal rahe hain. If you look at the trailer, it looks promising. His chemistry with Shraddha Kapoor is promising and we all are waiting for street dancer 3D to kind of release. Audience bhi kafi excited hai, lekin Varun Dhawan ना दिल जीत लिया. As he candidly spoke about his failure and बिल्कुल टची नहीं रहे. And हमें तो पता ही है कि बॉलीवुड में कितने एक्टर्स हैं जो काफी टची हो जाते हैं अगर उनसे बोला जाए कि भाई आपकी फिल्म चल नहीं पाई, उसका क्या रीजन था, तो वो कहते हैं अरे फिल्म तो चली है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स देख लो, 100 करोड़ पार कर चुकी है और कोई मानने को तैयार नहीं है कि उनकी फिल्म नहीं चल पाई है. अगर देखा जाए तो कलंक को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, नहीं मिला था, प्यार दिया था, नहीं मिला था, फिर भी मुझ तक पहुंचा ही नहीं, बट नहीं मिला. बोल दे. आई थिंक अप्स एंड डाउन जो होती है ज़िंदगी का पार्ट होता है और उससे सीखना पड़ता है. एंड वही मेरे करियर में वो पहली बार था जब हुआ था फिल्म के साथ. तो आई हैव लर्न फ्रॉम दैट. और बस इस वक्त सारी पॉजिटिव एनर्जी मैंने स्ट्रीट डांसर 3D में डाली है. रेमो सर के बाद ABCD2 के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं श्रद्धा कपूर के साथ भी. सो वेरी एक्साइटेड. ये यूथ की फिल्म है, आज की फिल्म है. और मेरे फिल्म का एक डायलॉग है जो मेरे हिसाब से बहुत मायने रखता है, विच इज़ चाहे तेरे लब पे वाहेगुरु दा नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो लम्हा भी इबादत दा होंदा है जब तू किसी और के काम आवे. And that's what even I believe in. Thank you. And here's Varun Dhawan accepting that Kalank didn't quite work for him, talking about his ups and downs quite candidly. Aur yahi chahiye hame, yahi relatability chahiye from our Bollywood stars. And we all wish him luck for his next film.